हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको लिए आज एक बहुत ही प्यारी सी एक टोपी बनाना बताएंगे, जिसके लिए मैंने दो कलर लिए हुए हैं यहाँ पे और ये 10 नंबर सिलाई ली हुई है। मैं आपको शुरू से ही बताऊँगी किस तरह से हमने टोपी को बनाना है। और जो हम टोपी बनाने जा रहे हैं ये 6 से 7 मंथ बेबी के लिए आराम से टोपी आ जाएगी। तो चलिए हम, आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं, मैं येल्लो और ग्रीन में आपको बता रही हूँ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी टोपी आपको कैसी लगी। बनाने के लिए सबसे पहले हम फंदे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हम सबसे पहले दुल्लर ऊन से फंदे डालेंगे इस तरह से। दोनों सिलाइयों पे फंदे डालने हैं हमने, ये देखिए दोनों सिलाइयों पे मैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सिंपल ही फंदे हमने डालने हैं, ये देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगी, ये इस तरह से मैं इसमें 10 ही फंदे बता रही हूँ, पर मुझे 60 फंदे डालने हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हम फंदे डालेंगे। दोनों सिलाइयों में से हमने फंदे डाले हैं फ्रेंड्स। मैंने इस तरह से फंदे इसमें, ये देखिए यहाँ पे 60 फंदे डाले हुए हैं और ये 4 सिलाइयाँ उल्टी बनाई हुई हैं मैंने। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों सिलाइयों में फंदे डाल के एक सिलाई को खींच लिया है इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा यानी कि लूज हो जाए, तो इस तरह से हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डाली हुई हैं, ये देखिए। और मैंने ये 4 सिलाइयाँ बना ली हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये थोड़ा सा लूज हो जाता है नीचे वाला 2 सिलाइयों में डालते हुए, ये देखिए फ्रेंड्स। मैंने इसी तरह से इसमें 60 फंदे डाले हुए हैं, 60 फंदे मैंने डाले हैं। अगर आपने ज़्यादा बड़ी बनानी है तो आप ज़्यादा फंदे ले लें, इसी तरह से ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए आपने बनानी है तो ये 6 से 7 मंथ बेबी के लिए आराम से आएगी। और ये देखिए यहाँ पे हम ये पहला फंदा उतार के इस तरह से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों तरफ से बॉर्डर बना लिया है, ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डाल के। आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इस तरह से भी बॉर्डर इसमें बना सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बना ली हैं और देखिए हम उल्टी तरफ हैं, उल्टी तरफ से हमने यहाँ पे 5वीं सिलाई पे इसमें येलो कलर लगाना है इस तरह से, ये देखिए। येलो कलर हम लगा देते हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मैं इस तरह की आपको टोपी बताऊं, ये देखिए। तो हम ये उल्टी सिलाई बना लेते हैं पूरी, आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने उल्टी तरफ से येलो कलर लगा लिया है। इसके बाद हम ये देखिए यहाँ पे अब सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो पहला फंदा हमने उतारना है और 7 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये देखिए 7 फंदे मैंने सीधे बनाए। धागा अपनी तरफ, यहाँ पे मैं जाली डालूँगी इस तरह से, 1 वापस धागा अपनी तरफ, 2 ये देखिए इस तरह से। फिर हमने 7 फंदे सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये देखिए धागा अपनी तरफ। फिर से हम जाली डालेंगे, ये देखिए इस तरह से, 1, 2
ये देखिए इस तरह से ये हमारी जाली भी बन जाएगी और हमारे फंदे भी बढ़ जाएंगे इस तरह से। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, धागा अपनी तरफ और यहाँ फिर से हम जाली डालेंगे। ये देखिए तीसरी हम जाली डाल चुके हैं तीन हिस्सों में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये देखिए इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इसी तरह से हम ये देखिए फिर से धागा अपनी तरफ, सॉरी, फिर से हम सात फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। फिर से हम यहाँ पे जाली डाल लेते हैं, ये देखिए, और लास्ट के हम ये पांच फंदे सीधे बना लेते हैं, यानी कि छह फंदे, एक जाली वाला फंदा हो गया लास्ट में इस तरह से। ये देखिए अब हमने ये इसी तरह से दो दो सिलाइयों का जाली बनाते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैं इसमें जाली बनाऊंगी और यहाँ पे उल्टी सिलाई को उल्टा ही कंप्लीट करेंगे। दो दो सिलाइयाँ हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है और इसको ऊपर तक कंप्लीट करना है। और देखिए बड़े हुए जो फंदे हैं हम उनको इसी तरह से बनाएंगे, तो हम इसमें इसी तरह से जाली हर सिलाई पे बनाते हुए जाएंगे। अब हमने उल्टी सीधी सिलाई को बनाएंगे, येलो कलर से ही उल्टी बना रहे हैं, और ग्रीन पे आके फिर से इसी तरह से जाली डालेंगे हर सिलाई पे, यानी कि जाली डालनी है हमने, तो इसको हम उल्टी सिलाई को कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। हम सीधी सिलाई पे हैं फिर से, ये देखिए अब यहाँ पे हम, ये देखिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं, ये देखिए अब हमने यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ चुका है, तो हमने आठ फंदे सीधे बनाने हैं। ये देखिए ये जाली वाला जो फंदा है ये बढ़ चुका है, इसको हम सीधा बनाएंगे और यहाँ पे बीच वाले फंदे पे ही हम जाली बनाएंगे इस तरह से। यही ध्यान रखना है, हमने बीच वाले फंदे पे जाली डालनी है, इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। जो बढ़ते हुए फंदे जाएंगे उनको हम सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए अब जो बढ़ चुका है फंदा, पहला फंदा हमने बना लिया है, और ये जो फली वाला फंदा है और ये जाली वाला बड़ा हुआ फंदा, इस पे हम बनाएंगे। ये देखिए धागा अपनी तरफ इस तरह से, ये देखिए इस वाले फंदे पे, तो ये हमारी सीधी ही जाली बनेगी। तो इसी तरह से अब हम आएंगे उल्टी सिलाई पे, तो हमने ग्रीन कलर लगाना है, ग्रीन कलर लगा के इसी तरह से हम जाली बनाते हुए जाएंगे। तो इसको मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 10 जालियाँ डाल ली हैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये मैंने 10 सिलाइयाँ बनाई हुई है ये सभी, और 10 जालियाँ मैंने डाल ली हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10। अब हम यहाँ पे 9वीं सिलाई पे हैं, तो देखिए 10 जालियाँ बनाने के बाद हम यहाँ से फंदे घटाने शुरू करेंगे। जहाँ से हमने जालियाँ डाली हैं वहीं से हम इसमें अब फंदे घटाएंगे। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ फंदे हमने किस तरह से घटाने हैं। ये देखिए तो आगे हम जाली पर, तो यहाँ पे हम, ये देखिए किस तरह से हम फंदे घटाएंगे, दोनों साइड के फंदे हम घटाएंगे इस तरह से। ये देखिए बीच वाला फंदा हमने
आगे की तरफ लेना है, आगे वाला फंदा हमने पीछे करना है और इस तरह से पलट के हम बीच वाले फंदे को डालेंगे। और पीछे की तरफ से ये देखिए, पीछे की तरफ से हम इस फंदे को घटा देंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर से हम आगे के फंदे इसी तरह से सीधे बना लेंगे। और अगली जाली पे हम फिर से फंदे घटाएंगे। ये देखिए एक बार हम फिर से बता रहे हैं आपको। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये बीच वाला फंदा है, आप ये ध्यान से देखिए, ये दोनों फंदे सिलाई पर लेने हैं और आगे वाला फंदा इस तरह से पीछे की तरफ से सिलाई में लेना है, और ये बीच वाला फंदा हमने इस तरह से पलट के सिलाई पे डालना है। और ये देखिए पीछे की तरफ से हम तीनों फंदों को एक साथ बनाएंगे, तो यहाँ पे ये दो फंदे घटेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम जहाँ जहाँ जाली डाली हुई है वहीं वहीं हम फंदे घटाते हुए जाएंगे, ये देखिए। तो चलिए हम इसी तरह से एंड तक फंदे सभी घटा लेते हैं जिस तरह से बढ़ाए हैं। ये 10 10 सलाइयाँ हमने बनाई हुई हैं जाली की, तो इसी तरह से घटा लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 10 जालियाँ डाली थी तो 10 10 फंदे बढ़ाए थे। अब इसी तरह से हमने सभी फंदे यहाँ पे घटा दिए हैं जो हमने फंदे बढ़ाए थे, उसी तरह से 10 सलाइयों में। और इसके बाद हमने ऊपर में भी 10 सलाइयाँ बना ली हैं, सभी फंदे मैंने यहाँ पे घटा दिए हैं। और ये यहाँ पे 15 फंदे बचे हैं, ये सभी फंदे हमने ये देखिए यहाँ से घटाना स्टार्ट किया है, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे हम एक सिलाई इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये सारे फंदे हम सुई में डालेंगे, ये देखिए। दस सलाइयों में मैंने फंदे बढ़ाए थे और 10 सलाइयों पे ही मैंने फंदे घटा दिए हैं, जिस तरह से बढ़ाए थे उसी तरह से। जहाँ जहाँ जाली डाली थी वहीं पे हमने ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए यहीं से हम धागे को कट कर लेते हैं। इसमें सुई डालेंगे। अब सभी फंदों को सिलाई में जो है फंदे सुई में हम डाल लेते हैं, देखिए इस तरह से सभी फंदों को सुई में इस तरह से चढ़ा लेते हैं, ये देखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी फंदे चढ़ा लिए हैं और इस तरह से हम धागे को खींचेंगे और वापस इसी फंदे में डालेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। और इसको खींचते हुए दोबारा इसमें नॉट लगा देंगे, ये देखिए। अब उल्टी तरफ से हम इसको यहाँ से इस तरह से सिलेंगे, ये देखिए सभी यहीं तक हम पूरी सिलाई इसी तरह से कर लेंगे, ये देखिए। ये हमने इसी तरह से यहाँ तक सिल लेना है, तो हम इसको सिल लेते हैं पूरा इसी तरह से। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से सिल दिया है और इसमें ये दोनों कलर का पॉम पॉम्स लगा दिया है, और देखिए काफ़ी सुंदर हमारी टोपी बनके कंप्लीट हो गई है ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए काफ़ी खुली है ये इस तरह से, ये देखिए। और आप इसमें दोनों तरफ तनिया भी लगा सकते हैं, इसमें अगर आपने
तनी लगानी है दोनों तरफ। तो देखिए काफ़ी सुंदर टोपी बन गई है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना ये हमारी टोपी आपको कैसी लगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।